गवर्नमेंट को हमें आगे बयान देना दे। धन्यवाद। भी ये हर सीट में बैठे हैं, कोई भी खास करके इंजीनियर से सुपीरियर नहीं है, क्योंकि इंजीनियर अल्टीमेटली ग्राउंड पे काम करने वाले इंजीनियर्स हैं और इंजीनियर्स के सारे साथी हैं। अगर वो काम नहीं करेंगे, आपकी मेहनत को देना है, उनके हकों के लिए आपको बात करनी है, और इंजीनियर हो रही है भाई हो भी रहेगी। मुझे लगता है कि हमें सबको मेंटली तौर पे फाइट के लिए तैयार होना चाहिए, कुर्बानियों के लिए तैयार होना चाहिए। दौड़ है काफ़ी देर से स्ट्रगल चलती है, इसमें हमने भी स्ट्रगल की, हमारे से पहले भी साथी थे जिन्होंने स्ट्रगल की। आज की डेट में लंच जीती हुई हमारी इसमें अपना पूरा योगदान दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ का अफसोस है कि जब हम अपने सिस्टर विंग्स जो इंजीनियरिंग विंग्स हैं उनके साथ मिलकर जब ये फाइट कर रहे थे, आप जब इशारा कर दीजिए मैं बोलना शुरू कर। हमारी पूरे देश में जो पावर इंजीनियर्स होते हैं उनके पे स्केल जो गवर्नमेंट के और डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स हैं उनसे बेहतर होती है, क्योंकि पावर डिपार्टमेंट की इस प्रकार की कार्य पद्धति है, सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, अराउंड द क्लॉक ड्यूटी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में उल्टा हो रहा है। यहाँ पे स्केल भी वही है जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के हैं, और रादर कोई पे स्केल ही नहीं है। जूनियर इंजीनियर के पद पर भर्ती हुआ व्यक्ति उसे चीफ इंजीनियर का काम लिया जा रहा है और उसको जूनियर इंजीनियर का वेतन मान दिया जा रहा है। तो इसलिए मैं एलजी साहब से आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि जम्मू कश्मीर बॉर्डर स्टेट है, बिजली की बहुत बड़ी भूमिका है, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी नथिंग कैन बी डन। डेवलपमेंट की ओर ये प्रदेश बढ़ रहा है, रोज इश्तहार आ रहे हैं पन्ने पन्ने पर, तो बिना बिजली के तो कोई डेवलपमेंट होना नहीं है। इसलिए बिजली इंजीनियरों को कम से कम रेगुलर किया जाए, उनको रेगुलर प्रमोशन दिया जाए, जिस पोस्ट पर काम कर रहे हैं उस पोस्ट का वेतन मान दिया जाए। रादर आई वुड रिक्वेस्ट कि जैसे देश के अन्य प्रांतों में पावर इंजीनियर्स के और पावर एम्प्लॉइज के पे स्केल अलग होते हैं, यहाँ भी उनको अलग पे स्केल दिए जाए, बेहतर पे स्केल दिए जाए। अपने पहले और भी इशू थे जब मैं गया था, लेकिन आज एक दिन का कार्यक्रम है और एंड इन द नियर फ्यूचर मैं कोशिश करूँगा कि मैं दोबारा विजिट करूँ और एलजी साहब से भी मैं मिलकर उनके सामने सारी बात रखूँ। और हो सकता है ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है प्राइवेटाइजेशन की, इसलिए हो सकता है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन की बात होगी तो उसका भी पूरा लामबंद होकर पुरजोर विरोध किया जाएगा। प्राइवेट नहीं होने देंगे, पुरजोर विरोध किया जाएगा। देश भर में हम लोगों ने कहीं नहीं होने दिया, जहाँ जहाँ शुरुआत हुई वहाँ वहाँ इसको रोका गया।